पापा का रिएक्शन नहीं है। रुके रुके, हम भी वीडियो करेंगे। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं। नहीं नहीं पापा, पापा गाना गाइए एक बार रिप्लाई में। हाँ, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना पापा। मुझे गाना गा रहे हैं। अरे मस्त। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आप लोग का वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में। और चलिए अभी ब्लॉग स्टार्ट करते। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करते करते रात 9:30 हो गया। तो आज नहीं सोची थी कि आज ब्लॉग बनाऊंगी, पर अभी हम लोग कहीं बाहर निकल रहे हैं। बाहर मैंने कल पूछी चली जाएगी सुबह, तो सोचे बाहर से थोड़ा डिनर वगैरह करके आए। तो इस पल को तो कैप्चर करना बनता है। तो वही अभी सब लोग निकल रहे हैं। और क्या, अब देखते हैं फोटो वगैरह भी थोड़ा 1-2 खिंचवा लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कल तक चलेगा, पूछी जाएगी। हाँ, कल तक ही चलेगा। आजकल बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग ब्लॉग में जैसे कितना सारा काम वगैरह हो गया है। और आदत छूटने की वजह से तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है काम करने में भी। तो अपू जी दूध बंद की हो, ठीक है। तब चलिए मिलते हैं आप लोग से। ले लो, सारा मिलता है किसका। ऐसे हंसे हैं जोर जबरदस्ती, थोड़ा सा और अच्छा से लो। पापा जोर जबरदस्ती नहीं हंसे। आपको छोड़े, हमको भी लेगी क्या? चलिए चलते हैं। ए, हमको छोड़ छोड़ के तुम लोग भाग जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ खाना का ऑर्डर हो गया है। और सबसे बुरा यही लगता है ना, ऑर्डर देके इंतजार करना। हाँ, जैसे लगता है ज़्यादा भूख लग गया है ना, वैसे लग गया। तो घर में इतना भी जल्दी से नहीं बन पाएगा ना, तो घर में अभी बनाता है। तो पूरा केबिन हम लोग बुक कर लिए हैं। हाँ, ये पूरा केबिन हम लोग बुक कर लिए हैं। गर्मी है ना, अभी नया इसका ये बना है, अच्छा लग रहा है ना देख के। तो आज पूछी कल चली जाएगी, इसलिए आज पार्टी पूछी के लिए फेयरवेल पार्टी है। और मेरा बेटा को नहीं दिए, पर ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, वो था तो नहीं लेके गया। बेटी को मत खिलाने के लिए लेके चले आते हैं। बेटा बेटी में फर्क नहीं समझते हैं। बेटी कब ज्यादा मानते हैं। हाँ, चुप रहो। 27 दिन नहीं खाया था, वो पूजा करके आया था। तो किससे बात कर रहे हैं? उससे बात कर रहे हैं। 27 दिन माना होगा तुमको, लगता है। हाँ, माना होगा जी, ऐसा मत बोलिए। वो आपके लिए किया था। अच्छा, हाँ, मम्मी के लिए देखो मम्मी को कितना प्यार करते हैं। हम लोग कीमत था ना, बोला कि पापा ये बात बोला, हमें बोलिए बोलो तो मम्मी के लिए हम आए। बहुत कष्ट हुआ नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ब्लॉग हम शेयर ही नहीं कर पाए। तभी स्टार्टर में आया है पनीर पकौड़ा। पूछी बोलिए नहीं खाएंगे, और खा बोल रही है पनीर कच्चा लगेगा, आप नहीं लीजिएगा जी। बेबी कॉर्न पनीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉटेज चीज। इसका पूरा नाम है क्रिस्पी बेबी कॉर्न। हाँ, चिल्ली नहीं है ये। नहीं पीते हैं पानी, खाना खाकर तुरंत नहीं पीना चाहिए। चलो खाना पीना हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। तो लेना कुछ, चलो कुछ। तो यहाँ आ गए हम लोग, खाना पीना खा के आने के बाद थोड़ा देर रेस्ट लिए और फ्रेश वगैरह होके, और मैं यहाँ लेके बैठ गई आटा सानने के लिए, क्योंकि पूची को सुबह निकलना है। इस वजह से सोची थोड़ा सा लिट्टी बना दे। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग ने देखा है कि लिट्टी का मसाला मैंने बनाया था, तो लिट्टी का मसाला मैं फ्रीज में रख दी थी और आटा साने नहीं, तो वो आज मैं फिर आटा अभी सान रही हूँ और लिट्टी भर के छान दूँगी। तो अच्छा से लिट्टी बाबू के लिए भी भेजना था, पूची की फ्रेंड लोग भी बोली थी कि लेके आना कुछ, तो अभी गर्मी का सीज़न है, कुछ बना के तो ऐसे भेज नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिट्टी बना रही हूँ और लिट्टी बनाते बनाते तब तक ख़त्म हो गया सिलेंडर, और सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर उसी रात को मुझे सिलेंडर भी चेंज करना पड़ा। रात के करीब बज गए थे 12:30-1 बज गया था, और उसके बाद मैं लिट्टी छान उनके सोई, और उसके बाद सुबह पूची को 8 बजे ही निकलना था। तो चलिए फिर आगे सुबह मिलते हैं आप लोग से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे आप लोग देखे ये वीडियो, रात को लिट्टी बनाते 1 बज गया था और उसके बाद सोई। सुबह फिर जल्दी उठ गया, कुछ को भी निकलना भी है, तो 8 बजे से उसका बस है। नाश्ता पानी हो गया है और ये भी नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे। मैं भी नहा धो रही हूँ जल्दी, तो पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जाने के बाद जल्दी नहाना नहीं होता है, इस वजह से अभी जा रही। पूजा वूजा कर लेंगे, उसके बाद उसको नाश्ता दे दूँगी। तो नाश्ता में उसका आज ज़्यादा फरमाइश नहीं था, बोली कि मम्मी मेरे लिए गीला चावल बना दीजिएगा, तो उसको बहुत पसंद है खिचड़ी, गीला चावल। हम लोग दाल पिट्ठी बनाते हैं, दाल पिट्ठी, तो उसको ये सब चीज़ बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो बोलती है बहुत दिन हो गया गीला भात खाए हुए, तो वही खाएँगे, तो वही उसके लिए बैठा दिए हैं। तो वो जा रहे हैं, तो वो भी रेडी होने गई है। अभी जा रही पूजा कर लेंगे, पूजा खत्म हो जाएगा बस, उसके बाद चली जाएगी बिटिया रानी, तो फिर अकेले ही हो जाऊंगी, अच्छा नहीं लग रहा है। और गर्मी भी बहुत है बाबा, सुबह सुबह ही इतना गर्मी है, और काम उम करके तो और ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। नहा के आँख भी नहीं लग रहा नहाया हुआ। और आज धूप नहीं है उतना, फिर भी मौसम कैसे है। चलिए फिर पूजा वूजा कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। पूजी चली गई जल्दी जल्दी पूजा वूजा करके, और ये तो सुबह ही निकल गए स्कूल, और बिट्टू गए थे छोड़ के आ भी गए। और बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, चली गई है अकेले अकेले। पिंकी थी तो वो भी तो आई नहीं है, और मुझे अकेले रहने का आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, घर में कोई चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। रहती थी तो इधर से उधर ये वो बातचीत, कैसे समय निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर 1 महीना का तो उन लोगों को समर वेकेशन मिलेगा, तो आएगी। और बेटी लोग होती है घर की लक्ष्मी, रहने से जैसे रौनक रहता है घर में। और इधर मैं पूजा वूजा कर रही थी, किचन में बर्तन वर्तन था तो सब धो धा के रख के, जब और बाद में हमको फ़ोन करके बोल रही है मम्मी आप कोई काम मत कीजिएगा, आराम कीजिए, आप सोइए, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं एक पैर में पूरा दर्द हो गया है और चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी फ़ोन किए हैं कि सब काम छोड़ के तुम आराम करो, तो मन नहीं कर रहा है आराम करने का। कोई नहीं रहता है तो नींद भी नहीं आता है। तो अभी मशीन में कपड़ा लगाए हैं, और खाना तो सब्जी वगैरह सब बना ही लिए थे, सिर्फ चावल बनाना है। तो ये आएंगे 2-3 बजे, अभी तो 10 बज रहा है, 10:30। और इधर मशीन में कपड़ा लगा के रखे, बोले तब तक नींद नहीं आ रहा तो कपड़ा लगा देते हैं। तो यही सब कर रहे हैं, इधर उधर मन नहीं लग रहा है। और इधर देखिए सब बर्तन धो धा के गई रखी गई है। तो बेटी लोग होती है, माँ का सोची कि मम्मी करेगी इसलिए हम करके जा रहे हैं। बाबू बाहर रहता है तो उतना हमको नहीं लगता, पर पूजी के लिए बहुत बुरा लगता है। चलिए तो फिर काम हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। देखते हैं अब क्या होगा, क्या करेंगे, सोएंगे, नींद आ जाएगा तो सो जाएंगे, नहीं तो बस इधर उधर करेंगे। थोड़ा मन भर आया, बेटी गई है तो और देखेगी तो बोलेगी मम्मी आप वीडियो में क्यों रोई थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब आपका। तो चलिए फिर मिलते हैं, और नहीं तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि कल रात से चल रहा है ये वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पे जो नए हैं उसे वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।